हाय, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना? होंगे ही, तो हमेशा की तरह आपके चुलबुले दोस्त अश्विनी आ गई है आप सबके लिए वीकेंड स्पेशल खबरें लेके। ये कौन सी खबरें हैं? इट्स ओनली गुड टू हियर। तीन ऐसी खबरें जो आपके चेहरे पे लाती है स्माइल। तो ये खबर लेके मैं क्यों आ जाती हूँ? अरे बाबा, हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा अलग बने, खुश रहने की वजह बने। तो खुशी की वजह ये तीन न्यूज। पहली न्यूज आती है यूनाइटेड स्टेट्स के बोस्टन न्यू इंग्लैंड से। वहां पे रहने वाली गुंजन ने अपने आसपास के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन बनने की ठान ही ली है। उन्होंने उसके आसपास के रहने वाले जितने भी एल्डरली लोग हैं उन्हें कोविड वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन में हेल्प की। बिना कोई एक्सपेक्टेशन के गुंजन ने आसपास के लोगों को मदद की है, वॉलेंटियर किया है। और इसके बदले में क्या फायदा हुआ? फायदा तो उन्होंने सोचा नहीं था, लेकिन हुआ जरूर है। उन्हें क्रिटिकल फ्रंटलाइन वर्कर के तौर पे रिकॉग्निशन मिला और साथ ही कोविड वैक्सीन दी गई जो फिलहाल यंगर क्राउड को वहां नहीं दी जाती है। है ना ह्यूमैनिटी वाली न्यूज। दूसरी खबर आती है वर्मोंट यूएस से। तो यूनाइटेड स्टेट्स के वर्मोंट में ही एक महिला अपने जीवन के आखिरी दिन गिन रही है। अब जब घरवालों ने उनसे पूछा कि भाई आपकी आखिरी इच्छाएं क्या है, तो उन्होंने कहा कि टेम्पुरा ब्रोकोली मेरी खाने की इच्छा है। तो जिस रेस्टोरेंट की ये स्पेशलिटी है वहां का शेफ 6 घंटे ट्रैवल करके वर्मोंट पहुंचा और इस महिला के लिए ताजा टेम्पुरा ब्रोकोली बना के उन्हें खिलाई। क्या ऐसे लोग सचमुच होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल होते हैं। और ओनली गुड टू हियर में ही तो आप इनके बारे में सुनते हैं। तीसरी खबर है, कौन सी कंट्री की है ये तो पता नहीं, लेकिन एक महिला ने अपनी बेटी की स्कूल के ईमेल के बारे में शेयर किया है। उन्होंने कहा कि मेरी 6 साल की बेटी जिस स्कूल में जाती है वहां से ईमेल आया है। उन्होंने कहा है कि बच्चों ने बहुत कुछ मिस किया है, इसीलिए अगले हफ्ते बच्चों के लिए होने वाला है नॉन यूनिफॉर्म डे, गेम्स, आउटडोर लर्निंग और कैंप फायर। क्या बात है, कैसी बढ़िया स्कूल है ना। मोस्ट ऑफ द स्कूल जहाँ बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात करती है, ये स्कूल बच्चों की यादों के बारे में बात करती है, मेमोरीज के बारे में बात करती है। सचमुच ऐसा समय तो शायद आपने, हमने, हमारे दादा दादी ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन दिस इज अ लवली न्यूज। चेहरे पे आ गई ना स्माइल। यादें बनाए, अच्छी अच्छी यादें जो आपके चेहरे पे हमेशा लाएगी स्माइल। तो कैसा लगा ये सेगमेंट मुझे जरूर बताइएगा, मैसेज करिएगा, क्योंकि ये पोस्ट अभी आ रही है ऑन माय फेसबुक पेज आरजे अश्विनी, ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल इट्स रेडियो वाली अश्विनी, ऑन माय यूट्यूब चैनल आरजे अश्विनी। मिलती हूँ जल्द ही कुछ नया लेके, तब तक टेक केयर, स्टे सेफ।